सहारा इंडियन निवेशकों के लिए खुशखबरी, इस दिन से मिलने लगेगा पैसा। सहारा श्री सुब्रत राय पर भरोसा करने वाले निवेशक आज आंसू बहाने को मजबूर है। निवेशकों को अभी तक अपनी गाड़ी कमाई वापस नहीं मिली है। सेबी ने भी तमाम कार्यवाही की, लेकिन उसके बाद भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई बेटी की शादी के लिए तो किसी ने बुढ़ापे के लिए जमा की थी। सारा समूह की कंपनियों में देश भर के लाखों लोगों ने निवेश किया। आज स्थिति यह है कि ब्याज की बात तो दूर, जमा की हुई मूल राशि भी वापस नहीं मिल रही है। निवेशक अपनी जमा रकम निकालने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर हैं। सारा विभिन्न परियोजनाओं को चलाता था और दूसरों की तुलना में अधिक मुनाफा देता था। ये योजनाएं बहुत लचीली थी। लोगों से FD पर 11-12% सालाना रिटर्न का वादा किया गया था। निवेशक अपनी जमा रकम निकालने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर है। सहारा विभिन्न परियोजनाओं को चलाता था। लोगों से FD पर 11-12% सालाना रिटर्न का वादा किया गया था। इन योजनाओं में कई सालों तक लोगों को रिटर्न मिला, जिससे लोगों को सहारा पर भरोसा था। लेकिन बाद में लोगों को ना तो रिटर्न मिला और ना ही उनका पैसा। सहारा की योजनाओं में निवेशक अभी भी चिंतित हैं। अभी तक निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिला है। 4 सहकारी समितियों में पैसा फंसा है। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में लंबे समय से जनता का पैसा फंसा हुआ है। यह है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारिता मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने अदालत को बताया कि इन सहकारी समितियों ने 9 करोड़ से अधिक निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें से 62,643 करोड़ रुपए अम्बे वैली में निवेश किए गए। सहारा पर निवेशकों के पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। सहारा ग्रुप की कंपनियों के बीच साठगांठ थी। कंपनियों के निवेशकों के पैसे को सफेद किया और उसे संपत्ति में निवेश किया। प्रतिबंध नवंबर 2010 में चलाया गया था। अनियमितताओं का पता तब चला जब सहारा समूह ने सेबी के पास IPO के लिए आवेदन किया। सहारा ने सेबी में DRHP दायर की थी। सेबी ने जब इसकी जांच की तो कई खामियां निकली। इसके बाद से सहारा पर शिकंजा कस गया है। 24 नवंबर 2010 को सेबी ने सहारा समूह को किसी भी तरह से जनता से धन जुटाने पर रोक लगा दी थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने निवेशकों से 15% सालाना ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने को कहा। यह रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। रिकॉर्ड नहीं मिलने से लोगों के पैसे फंस गए। सेबी ने 53,642 बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक के लिए 19,644 आवेदन मिले। यह 81.70 करोड़ रुपए था। इनमें से सेबी ने 48,326 बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक रखने वाले 17,526 निवेशकों को 138.7 करोड़ रुपए वापस कर दिए। इसमें से 70.9 करोड़ रुपए मूलधन और 67.98 करोड़ रुपए ब्याज था। शेष आवेदनों को खारिज कर दिया गया, क्योंकि सहारा द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों में उन्हें दर्ज नहीं किया जा सका। सहारा सेवी फंड में रिफंड के बाद 23,937 करोड़। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। दोनों कंपनियों ने मिलकर 15,569 करोड़ रुपए जमा किए थे। इस पर 9,410 करोड़ रुपए का ब्याज वसूला गया है। इस तरह सहारा सेवी फंड में कुल 24,979 करोड़ रुपए जमा हुए। रिफंड के बाद इस फंड में 23,937 करोड़ रुपए सरकार इस फंड से 5,000 करोड़ रुपए निकालकर निवेशकों को देना चाहती है।